समुद्री जहाजों की मंजिल। जहाजों पर जहां सामान चढ़ाया और उतारा जाता है, ये जगह जिसे यहां की भाषा में गोदी कहते हैं। साल पहले बंबई शहर के इस गोदी में हजारों मजदूरों को मुनाफे का सपना दिखाकर एक व्यापारी ने उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। वो था बख्तावर। बख्तावर के खौफ से गोदी के पानी की चार दीवारी में मजदूर दिन रात उसकी गुलामी किया करते थे। बदले में मुट्ठी भर अनाज भी उनके पेट को नसीब नहीं हो पाता, और अगर हो भी जाता तो हजारों भूखे इंसान इस निवाले को छीनने के लिए इंसानियत को छोड़कर जानवर बन जाते। वक्त गुजरता गया और बख्तावर के जुल्म की ताकत बढ़ती गई। बख्तावर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सका, और अगर कोई मजलूम आवाज उठाने की कोशिश करता भी तो उसकी आवाज को सिर्फ एक ही आवाज जवाब दिया करती थी, जहाज के सायरन की आवाज। वो उस आवाज उठाने वाले मजलूम की मौत का ऐलान हुआ करता था। यहाँ बख्तावर के लाल रुमाल वाले गुंडों का गुंडा राज चलता था। ये सच है, जालिम के बहुत से साथी हुआ करते हैं। बख्तावर का ऐसा ही एक वफादार पुराना साथी है प्रताप। लेकिन यह भी सच है कि इंसान के भीतर से शैतान जन्म लेता है। वफादार के खून से बागी पैदा होता है, और ऐसा ही खूंखार निडर और खतरनाक प्रताप का बेटा है टाइगर। अर्जुन, मेरे दाएं हाथ की हथेली में खुजली हो रही है। मतलब मार आने वाला है हम बदनसीबों के नसीबों में। पैसे दे दो। मगर महाराज, मेरी अकड़ मुझसे कह रही है कि हमारे जेब में जो भी फूटी कौड़ी है वो भी इन गरीबों के पॉकेट में जाने वाली है। अरे किस गधे ने तेरे कोई अकड़ दी? महाराज, मेरे बाप ने। तेरा बाप भी सारा गधा ही था। जो भी हो महाराज, मगर तकड़ आपसे मिलती थी। जगह मैं आया हूँ, मगर यहाँ की पॉलिटिक्स जानता हूँ। सारे पैसा कमाने के लिए शक्ल की नहीं अकल की जरूरत होती है, और आज मैं तुझको अपनी अकल का कमाल दिखाता हूँ। सर, हिंदी में नामुमकिन, अंग्रेजी में इम्पॉसिबल। अरे यार सुन, तेरे से कितनी बार कहा है कि तीर मत छोड़। सुन, आज मैं इस डॉक्स पे यानी के गोदी में तुझे बगावत के बीज बोकर दिखाता हूँ। सर जी, आज तक इस गोदी में ऐसा कोई परिंदा पैदा नहीं हुआ जो बख्तावर सेठ के खिलाफ अपने पर फड़फड़ा सके। सर, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि निकल चलो चुपके से, कहीं ऐसा ना हो कि शरीर की वर्दी और वर्दी के नीचे की चमड़ी दोनों खिंच के चली आए, आपकी भी और मेरी भी। अरे सारे बुजदड़ी की गोद में पड़ेगी दड़की सौतेली औलाद। तेरे से मैंने कितनी बार कहा है कि अपने मुंह की कमान से शब्दों के टूटे हुए तीर मत छोड़ा कर। जुम्मा का भाई तू ही है? गोंसाल्विस तेरा ही नाम है? और भाई, तू ही है जो बख्तावर के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। वो भी अकेले बगावत करेगा? और भी है। अरे शांति शांति, दो मिनट शांति, उसके बाद क्रांति। गोंसाल्विस भाई, जब मुझे पता चला कि मेरे मजदूर भाइयों का हक बख्तावर छीन लेता है, उनकी खून पसीने की कमाई उनकी मुट्ठी में आने से पहले ही मार लेता है, तो मैं रो पड़ा। क्योंकि अरे भाई, मैं भी तो एक मजदूर हूं, कानून का मजदूर, पब्लिक का मजदूर, अरे सरकार का मजदूर यार भाई लोग। इसीलिए मैं आपको पूरी आजादी देता हूं कि बख्तावर के जुल्म के खिलाफ आप लोग नारे लगाओ, और तब भी आपको लगता है कि आपको हक नहीं मिलता तो आप मेरे पास आओ, थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग जाओ और बख्तावर की मां बहन एक कर दो। बख्तावर!
महाराज जी को नमस्कार करो जी। ये इंस्पेक्टर गिरधर है, अपने इलाके में नए आए हैं। जी मैं आया तो इस इलाके में सरकार की मर्जी से हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपकी मर्जी से रहूंगा। बस बात क्या है सेठ जी, आप तो इस इलाके के बादशाह हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपकी सल्तनत में बगावत हो रही है। ये दो कौड़ी के मजदूर आपके खिलाफ आवाज उठा रहे, मेरे पास आपकी शिकायत लेकर आए थे। कौन है वो लोग? बताता हूँ जी। देख रहे हैं आप सेठ जी, कैसी एकता हो गई है। ऐसे माना कि सब सारे चूहे हैं चूहे, लेकिन चूहों को आपस में मिलने नहीं देना चाहिए, वरना सारी बस्ती खोद डालेंगे ये लोग। क्यों जी? पेट की भूख एकता से बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसी एकता दो मिनट में तोड़ सकता हूं मैं। देखो सरकार। महाराज अर्जुन सिंह, एक दिन ये सारा माड़ अपना होगा। सरकार सरकार। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो। देख ली इनकी एकता? देख ली जी देख ली, सारे चूहों को पैसे के पीछे भागते देख लिया। लगता है तुम्हारे हमारी जमेगी। जमेगी जी, जरूर जमेगी। ऐसी जमेगी कि फिर कभी नहीं टूटेगी। बस तुम खबरें लाते रहो और अपना हिस्सा पाते रहो। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? दाएं। अर्जुन तेरे को बोला था ना कि सवेरे मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है, खूब माल मिलेगा, देख मेरा माल। महाराज आप तोपो तोपो ठीक है, मगर एक बात सोच रहा हूँ कि अगर गुंजालविस मर गया तो उसका क्या होगा? अरे महाराज आपकी बगावत का क्या होगा? अर्जुन तेरे को कितनी बार बोला है कि तीर मत छोड़ा कर, अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछो। गुंजालविस की बहन कौन है? जुम्मा। और जुम्मा का किसके साथ चक्कर चल रहा है? टाइगर। अब अगर बख्तावर के आदमी गुंजालविस को मारेंगे तो कौन बचाने आएगा? कौन बचाने? अरे टाइगर टाइगर। बख्तावर की गोदी से भाग कर कहा जाएगा सारे? किसने की? मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, ये सारी करनी सारे बख्तावर की है।
बख्तावर ने अपने आदमी भेजे गोंसालिस को मारने के लिए। अब आप ही हैं जो बख्तावर को सबक सिखा सकते हैं, और आप फिक्र मत करो, सब पुलिस यहाँ की आपके साथ है। आप बख्तावर की ऐसी तैसी कर दो साफ। टाइगर, आवाज नीचे कर, यहां क्यों आए तू? बहुत देर तक इसकी हिफाजत के लिए दीवार बन के सामने खड़ा हुआ है तू। थोड़ी देर के लिए सामने से हट जा, मैं देख पर कैसे इसे मौत की चादर पहनाता हूं। बदतमीज, बख्तावर सेठ के सामने जबान चलाते? अरे आज तो सिर्फ जबान चलाई है साले, जिस दिन ये दीवार गिर गई ना उस दिन चिता पे तुझे भी गिरा दूंगा मैं। वो साले तुम्हारे पालतू कुत्तों ने मेरे दोस्त गोंसाल्विस पर हाथ उठाया, मैंने सालों का हाथ तोड़ दिया। आइंदा ऐसे किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी और तुझे भी याद रखना बख्तावर, बख्तावर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दे बापू, मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बख्तावर सेठ के सामने जबान चला था क्या? जब क्या बोलो ना, मेरा बेटा है वो बख्तावर सेठ, उससे माफ कर दो। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, उसे माफ कर दो। दादा नहीं, पागल है, ना समझ है साहब। प्रताप, तुमने हमारे बहुत सेवा की है, इसलिए आज हम तुम्हारे बेटे को माफ कर देता है। लेकिन आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो याद रखना, टाइगर के साथ साथ तुम्हारे दो और बच्चे हैं, वो लोग भी नहीं बचेंगे। बुरी बात देख कुमार, बुरी आदतों और बुरी बातों से बचना चाहिए, हैं? आ जा। क्योंकि बचपन की बुरी आदतें और बुरी बातें इंसान को बुरा बना देती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम। नहीं भैया, आप बुरे नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए रोज चॉकलेट लाते हैं ना, कहाँ है चॉकलेट? क्या करता है? ठहर चल, तुम्हारे और विजय के लिए ढेर सारी चॉकलेट लाया हूँ। चल 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 चल। विजय, आजा चॉकलेट। भगवान का रूप है टाइगर, अपनी सतेली माँ और भाइयों का कितना ख्याल रखता है। ए माँ, जल्दी से खाना दे दे माँ, बड़ी भूख लगी मुझको। आज सही वक्त पर आया है, गर्मा गर्म खाना मिलेगा। खाना खाने से पहले ये बताओ, वो गाना जो तुमको सिखाया था याद है? क्या था? बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। ए टाइगर, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मालूम है आज इसने क्या किया? मालूम है, बख्तावर सेठ को धमकी दी। बख्तावर सेठ को, अगर मैंने उसके हाथ पर नहीं जोड़े होते तो इसे मार देता। अरे बख्तावर अपना सेठ है, उसका दिया अपन खाते हैं, उसके पैसे से घर चलता है। और तू कैसे भूल गया कि वो अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता? अरे कुछ भी कर सकता हो। क्या कर लेगा वो? मार देगा, खून कर देगा। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, किसी का गुलाम नहीं हूं मैं। देखा, बाप को गुलाम बोलता है। बंद कर अपनी जबान, वरना जबान खींच लूंगा। क्यों बंद करे ये अपनी जबान? सिर्फ इसलिए कैसे उस पापी और जालिम बख्तावर को ललकारा है जिसकी तुम गुलामी करते हो? क्या बोली? तूने मेरा हाथ पकड़ा? आज तक तूने जो कुछ मुझे करने को कहा वो मैंने किया। तूने जबरदस्ती मेरा स्कूल छुड़वा दिया, मैंने छोड़ दिया। मारा पीटी करने को कहा वो मैंने की। लोगों से हफ्ता वसूल करने को कहा वो मैंने किया। यहां तक कि तेरी मार भी सही बापू, लेकिन एक चीज मैं नहीं सह सकता, इस घर में किसी औरत पर हाथ नहीं उठेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? मुझको धमकी देता है, मेरे पर हाथ उठाएगा? उठाएगा? जा, जाके हफ्ता वसूल करके ला। अरे जा, बोलो ना। मुझको धमकी देता है। चल हफ्ता निकाल, ए, निकाल निकाल, चलो हफ्ता हफ्ता। ए, दिखता नहीं क्या? क्या हिला हिला के सबको लूटता है? यहां से निकाल के दिखाना। ओ टाइगर, फेंका दिखाना। अरे फेंका।
हफ्ता निकाल। बेटा मेरे तो खाने के वादे ना, तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? रोटी का पैसा, ये हफ्ता सब कुछ छोड़ सकता, हफ्ता नहीं छोड़ सकता मैं। चल चल निकाल निकाल, हाँ निकाल। क्या टाइगर टाइगर कहते हो उसे? ये तो गोदी का चूहा है, चूहा। देखता क्या है, टाइगर है तो यहां से निकाल के दिखा। बगावत करोगे क्या? असलियत में भी कुछ करके बताओगे? अरे महाराज आज रेस्ट डे है और गुड डे है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज छुट्टी है और गोदी के सारे वर्कर्स वहां होंगे, जहां सिस्टर जुम्मा लीना टाइगर को तुम्मा देगी। बाय गॉड।
कितनी बार बोला है कि तीर मत छोड़ा कर, वेट कर। अच्छा हेलो, इंस्पेक्टर गिरधर। तूने इस वक्त फोन करने की हिम्मत कैसे की? मेरे बच्चे सो रहे हैं। अरे महाराज, आपके बच्चे सो रहे हैं मगर मेरी तो नींद उड़ गई है ना। वो गोंसालेस आया था। कल भी आएगा। कल भी आएगा जी। और 500 लोगों के साइन लेकर आया था फाइल में आपके खिलाफ गवाही देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, नहीं पहुंचेगा वो। और अगर अदालत में आपके खिलाफ कुछ ऐसी वैसी बात हो गई, मैं तो फिर ऐसा करता हूँ, आज अपना ट्रांसफर करा लेता हूँ। मेरा भी, दोनों का, गोरखपुर गोरखपुर। अभी बोल देना, बस फिक्र मत करो, टेलीफोन रखो। अच्छा जी, देखो कुछ करो आप। बताओ, गोंसाल्विस तुम्हारे बेटे का दोस्त है, टाइगर से कहो कि उसके भेजे में कुछ अकल डाले। अकल, गोंसाल्विस! अरे गोंसाल्विस, घर में आए क्या तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर तक चले आए? अरे रे 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 रे, अरे भड़कती काय को है? अभी मैंने कुछ बोला क्या? आए, मैंने कुछ बोला क्या? आए, ये दारू पिए। तूने सब लोगों के सामने मुझे जलील किया।
शराबियों के पीछे मेरा मजाक उड़ाया। गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। खून पी जाएगी? अरे खून पी जाएगी ऐसा बोल रही है जैसे कोई नारियल फोड़ के पानी पी जाएगा। आए क्यों चुम्मा लेना बेबे, जिम्मे वन चुम्मा बेबे। बेवड़ा साला, अभी बताती हूँ मवाली कहीं का चुम्मा लेने आए। क्या बोला? चुम्मा चाहिए? शराबी कहीं का आ, पकड़ लिया। अरे बुलाओ, अरे कोई पागल कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी को बुला रहे। पागल कुत्ता क्या कर रहे? अरे काय कुमारी, ये डंडा छोड़ ले। अरे अरे ये गंदी नाली का कीड़ा बहुत ऊपर से डंडा मारती है। अरे अरे काय कर रही है? ए ए चुप, क्या कर रही है? तुम्हारी ऐसे छोड़ ले। ये केटा छोड़ दे, पागल हो गई क्या? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे काय को मारेगी मुझे? ऊपर से गंदी नाली का कीड़ा बोलती है। अरे तेरा तो इससे पुराना बैर है, इसकी शक्ल देखते तेरा टेम्परेचर बढ़ता है, छोड़ डंडा। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ मैं कहा पिछले 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ करवा दी मुझे। छोड़ दे, मैं कहता हूँ क्या कर रही है, पागल हो गई क्या? चल अंदर, छोटी छोटी बातें गुस्सा करती है। गई क्या? कैसे आना हुआ? हाय हाँ। अरे यार बहुत जरूरी बात करनी तुमसे, लेकिन तुम्हारी ये जो बहन है ना मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोलती है। एक काम करते हैं, वो जगह है ना वहां चलकर इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। चल चल। हाँ ये ठीक यार, ये जो तुम्हारी बहन देख के यार, देख के संभाल के भाई जरा। आ रहा है, यार ये जो तुम्हारी बहन है इसने मुझको गंदी नाली का कीड़ा बोला। सॉरी दोस्त, मैं उसके रवैये से शर्मिंदा हूं। नहीं नहीं नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है यार, बिल्कुल ठीक बोला उसने। हम सब साले हैं ही गंदी नाली के कीड़े सब। देखो गोंसाल्विस, इस दुनिया में दो तरह का कीड़ा होता है, एक वो जो कचरे से उठता है और दूसरा वो जो पाप की गंदगी से उठता है। कचरे वाला कीड़ा इंसान को बीमार कर देता है, मगर पाप की गंदगी का कीड़ा सारे समाज को बीमार कर देता है। कचरे के कीड़े को मारने के लिए फ्लिप बाजार में मिलता है, मगर पाप के कीड़े को मारने वाला फ्लिप सलाह बना ही नहीं आज तक। अरे बाबा, तू ना गंदा है ना कीड़ा, चलिए बता यहां कैसे आना हुआ है? कैसे आना हुआ यहां? हाँ हाँ, अरे हाँ यार, लो बात बात में असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। देख गोंसाल्विस, मैं तुझको बहुत सख्ती के साथ बोल रहा हूं, हाँ ये जो साले गुंडे लोग हैं तो साले इनसे पंगा मत ले यार, मत ले पंगा, क्योंकि ये सब के सब साले गंदी नाली के कीड़े होते हैं। इस दुनिया में दो तरह के कीड़े होते हैं, एक वो जो कचरे से निकलता है, दूसरा वो जो पाप की गंदगी से निकलता है। कचरे वाला कीड़ा इंसान को बीमार कर देता है,
मगर पाप की गंदगी से निकलने वाला कीड़ा साला पूरा समाज बीमार कर देता है। अच्छा, कचरे वाले कीड़े को मारने के लिए फ्लिट बाजार में मिलता है, मगर साला पाप का कीड़ा मारने के लिए फ्लिट बने नहीं आज तक। अरे मेरे बाप, आगे भी तो बढ़ेगा। क्या बात करने आया था मुझसे? मुझसे क्या बात करने आया था तू? वो तो बताना, ये सब समझ गया मैं। साला बात बात में बात बात में असली बात बताना साला, मैं भूल गया। ऐसी गंदलवेस, I tell you, huh? This bloody गुंडा लोग, you be careful. They are bloody cockroach from gutter. Gutter cockroach they are. Gutter cockroach, you put this flit, and upside down, dead cockroach. But my dear friend, this bloody society cockroach, no flit, no market, nothing, no, Tiger, please, सर में दर्द हो रहा है। ओ, दबा दे क्या? नहीं नहीं नहीं, तू मुझे ये बता, तू मुझसे क्या कहने आया था? हाँ वही तो बता रहा था यार मैं। हाँ वही बता रहा था। ये देखो गोंजाल्वेस, ये साला गुंडा लोग जो है, ये इनसे बच के रहने का है। ये गंदी नाली का कीड़ा होता है यार। सब दो किस्म का कीड़ा इस दुनिया में होता है। इस दुनिया में दो किस्म का कीड़ा होता है। एक कचरे से पैदा होता है, एक समाज के पाप की गंदगी से पैदा होता है। कचरे वाले से इंसान बीमार होता है, पाप वाले से समाज बीमार होता है। कचरे वाले को मारने के लिए फ्लिट बन गया है, बना गया है। पाप वाले को मारने के लिए फ्लिट बना ही नहीं आज तक। लीजिए, बात करने आया था। लेकिन तेरी बात समझ गया मैं दोस्त, समझ गया कि अगर मैं कल पुलिस स्टेशन गया तो मेरी जान खतरे में है। लेकिन अगर मैं कल पुलिस स्टेशन नहीं गया तो यहां पर पैदा होने वाला हर बच्चा गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा। भाई गुंसाले उसका खून हो गया, पर आप लोग सिवाय तुम्हारे के लिए और कुछ नहीं कर रहे।
अरे डेढ़ दो सांस उबाने की जगह अगर तीन चार लोग सामने और मुझे बताएं कि गोंसाल्विस का खून किसने किया है, इसको किसने मारा है, तो सिर्फ देखा तो ये इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है तू? बोल, क्या कर सकता है तू? क्या तू नहीं जानता कि मेरे भाई को किसने मारा है? मैं जानता हूँ, चाहे मुझे हमदर्दी और ना ही किसी और की। एक दिन मेरे भाई की तरह तुम्हारी भी लाज यहाँ पड़ी होगी और उस रोज भी तुम सब पुतलों की तरह तमाशा देख रहे होंगे। अरे इस बस्ती में कोई मार दे क्या? मार दे क्या? बख्तर! टाइगर, इसी चाकू से तूने मेरे दोस्त गोंसाल्विस की जान ली थी ना? आज मैं इसी चाकू से तुझे चीर के रख दूंगा। भाग हरामजादे, इस गोदी के हर रास्ते पर मैंने तेरे लिए मौत का बारूद बिछाया है। ड्राइवर, महाराज टाइगर ने बगावत शुरू कर दी है बख्तावर के खिलाफ। पहला कदम कामयाब। मैं बुजदिल नहीं हूँ, नहीं हूँ बुजदिल मैं। अगर मर्दों ने चूड़ियां पहन ली तो हम औरतों का फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी जगह ले लें? बेटी, अगर हम औरतों ने कफन बांध लिए तो इन बच्चों का क्या होगा? माँ हो तुम, पैदा करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि तुमने बच्चों को जन्म नहीं शराब दिया है। शराब! औरतें और बच्चे भी निकल पड़े। दूसरा कदम भी कामयाब। औरतें चलाओ। अर्जुन सिंह, अब मैं तेरे को एक पते की बात बताता हूं। बगावत में तीन किस्म के लोग होते हैं। पहला, ताकत के जोर पे जुल्म करने वाला अत्याचारी। दूसरा, उस अत्याचारी के खिलाफ आवाज उठाने वाला क्रांतिकारी। और तीसरा, इन दोनों की सिचुएशन का फायदा उठाने वाला मेरे जैसा व्यापारी। ए, तू यहां क्यों आई? कुमार की मां, तू बच्चों को लेके घर जा। किसी कमीने ने गोंसाल्विस की जान ली है, इसे जिंदा मत छोड़ना टाइगर, जिंदा मत छोड़ना इसे। जान से मार डालो इसे। नहीं, नहीं, नहीं बख्तावर सिंह, नहीं बख्तावर सिंह, वो मेरा बेटा है, मेरा जिगर है बख्तावर सिंह, उसे मत मारिए आप बख्तावर सिंह। गद्दार है तेरा बेटा और यहां गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है, मौत। नहीं बख्तावर सिंह, नहीं। नहीं, नहीं टाइगर बेटे, हट जा। बापू, बापू, माफ कर दे। बख्तावर! मालकुन जो साहेब है, मालकुन कैसे?
मैंने तुझसे कहा था तेरे मेरे बीच एक दीवार है, आज तूने उस दीवार को अपने हाथों से गिरा के मौत को अपने पास बुला लिया हरामजादे। अगर वो यहाँ आके मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, अब भी वक्त है। चला जा इस गंदी बस्ती, इस गंदे इलाके, इस गंदे शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने भाइयों के साथ। चला जा, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर जहां तेरे को कोई ना पहचान सके, पुलिस वाले भी ना पहचान सके। देख, मैं तुझको दोस्त के नाते सलाह दे रहा हूं, वरना ऐसा ना हो कि कहीं मेरी वर्दी तेरी गिरफ्तारी करने पर तुल जाए। चल भाग जा यहां से, मैं कहता हूं भाग जा। अरे अर्जुन सिंह, सायरन बंद कर, ऊपर आ जा। बाय गॉड, एसी महाराज टाइगर, एसी महाराज वो, अरे एसी महाराज वो भाग गया। भागने दे। एसी महाराज देकर कमिश्नर साहब आ गए तो उनको जवाब कौन देगा? अर्जुन, तेरे को कितनी बार मैंने कहा है कि तीर मत छोड़ा कर, कमिश्नर साहब को जवाब दूंगा मैं। भाग गया वो कौन? वो, अरे वो अपना टाइगर मार के बख्तावर को, और छोड़ गया हमारे लिए ये बर्बादी। अरे उल्लू बर्बादी नहीं, वो देख आबादी महाराज की। क्या हम भी टोपी पहनेंगे, हम भी सूट पहनेंगे, हम भी बंगले में रहेंगे, हम भी। भाभी जी, भाभी जी, स्वीट भाभी जी, अब भाभी जी और बच्चे जी आग से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? आग नहीं, और आग का भी इंतजाम मैंने कर रखा है। महाराज ये क्या है? जल्दी संभल के कुमार, चल जा, आ जा तुम्हारा। नहीं जुमा, हाँ नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। ये क्या कर रही हो जुमा? तुम इन बच्चों की फिक्र करना टाइगर, तुमने अपनी मरती माँ को वचन दिया है। जुमा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जुमा नहीं टाइगर, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारा प्यार बच जाएगा टाइगर। नहीं जुमा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जुमा। नहीं टाइगर, हमारा भविष्य सवारते सवारते इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। चुम्मा, चुम्मा, चुम्मा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी टाइगर, इंतजार करूंगी। उज्जवल भविष्य के लिए टाइगर का मरना बहुत जरूरी है।
दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम ए भागो से जोड़ा मां बन गया हम चबी भाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाले आरती अरे आरती यूनिफॉर्म कहाँ है यहाँ है मेरे पास इस्त्री करके रखा है ला रही हूँ स्वयं भूति विभूषण सुरभ मम्मी सर्वाधिप सर्वदा मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट देरी हो रही है ला रही हूँ बेटे सर्व सर्वगता शिव शशिनी शंकर पातु माम प्रणुम पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदेव भाभी भाभी मेरा दूध और जलेबी अभी लाए राम शर चावधर प्रणव पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान गंजा सुविधेगार ये रहा आपका फूल तुलसी और गंगा जल मम्मी अरे आरती देर हो रही है यार ये लीजिए आपका नाश्ता अरे मेरा चॉकलेट नहीं अभी ले बेटे यूनिफॉर्म कहाँ है आपका यूनिफॉर्म बाय द वे ये घर है पुलिस स्टेशन नहीं क्या यूनिफॉर्म देर हो रही है सलाम सब मम्मी मेरा चॉकलेट में अरे बापे वो तो उबालने के लिए रखा था मैं भूल गई अभी लाए बेटे अरे वाह अरे आरती आरती जूते कहाँ है जूते जूते अरे बापरे वो तो छत पे सुखाने के लिए रखे थे लाती हूँ अरे मम्मी सब मेरी ही गलती है तुम सबको खुश नहीं रख पाती मैं तुम सबके प्यार के काबिल नहीं हूं मैं बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे तैयार हम हैं तैयार हम
दूसरे से हैं शर्मसार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम से छुटा हुआ पसंद हो पिला देना और जो बच जाए वो कुत्ते को पिला देना। ओके मैडम। ले ले रानी बिटिया, आज बैठ जा।
बख्तावर सेठ, मैं आपका पुराना वफादार पाली राम राम नमस्ते। टाइगर, टाइगर कहाँ है? टाइगर मर गया। नहीं, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तूने उसकी लाश देखी है? देखिए उसकी लाश। मगर गिरधर सेठ ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था। गिरधर सेठ कौन? वही वही अपना गिरधर इंस्पेक्टर। आजकल वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके डॉक्स में फौजी टैंक खड़े हैं। टैंक्स? गिरधर सेठ? सारे गिरधारी बुलाता मेरे को तो औकात में रहकर बात कर मालिक से। सारा गिरधारी बुलाता है मेरे को, जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने की सोचता है। आज से कभी गिरधारी बुलाएगा, आज से तो मेरे को गवर्नमेंट बुलाएगा। सारा क्या बुलाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नाउ विश मी गुड लक। क्यों? वो इसलिए कि अगर मिलिट्री के जनरल ने हमारे टैंकों के मॉडल मंजूर कर लिए ना, तो हम अरबपति हो जाएंगे। हमारी रातों रात तकदीर बदल जाएगी। वैसे बख्तावर के उड़ाए हुए रुपयों ने हमारी तकदीर बदल दी। वैसे बख्तावर की बात काहे को करता है तू यार? महाराज इसलिए करता हूँ कि हम वैसे ही करोड़ों में खेल रहे हैं, बड़ी ऐश की जिंदगी बिता रहे, बगड़े हैं, नौकर चाकर हैं और तीन तीन कारों में साथ चलते हैं, तो बेकार में बैंगलोर से ऊटी जाकर मिलिट्री वालों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले? अरे साले तू छोटा ही सोचेगा, हमेशा हमेशा छोटा सोचेगा। वो ऐसा है कि मेरे जो सड़े हुए, मैंने जो टैंक मंगाए हैं ना बाहर के मुल्क से, वो यहाँ आएंगे तो उन साड़ों को मैं रंग करूंगा, फिर वो मैं नए जैसे टैंक लगने वाले गोदी पे खड़ा करके मिलिट्री वालों को बेचूंगा। और अगर मिलिट्री वालों ने वो खरीद लिए तो हम माड़ा माल होंगे कि नहीं होंगे? अरे डॉलर में पैसा मिलेगा साला। बस ओजी गवर्नमेंट आप तो पोतो। मैं तो समझा रहा हूं तेरे को यार, तू समझता ही नहीं। जरा जल्दी चल दे। महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले, पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है। मुर्दे को भी कवर से खींच के ले आए, ये तो जिंदा लोग हैं। लाइव तीर तीर तीर। कैप्टन स्टॉक। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर। अटैक अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑल राइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। सेटअप। थैंक यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये जर्नल नहीं है, नटंकी का भांड है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत दिखा इसे। सेटअप। हंसो। हेलो जर्नल जी। जर्नल जी नमस्ते। ताई लागी जर्नल साहब। जर्नल साहब आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूं। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजर। अरे टोपी तो उतार भाई। कौन सर? जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है, डोंट यू थिंक सो सर? No. अरे लेकिन किंतु परंतु बट व्हाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे, वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक, देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है, और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ। खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं, इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको कायम तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं नहीं, एक खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे ये बाई गॉड सर, अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है।
रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है, राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता है तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। एनी स्टॉप। और तुम सर, शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की जांच में अपना कर्तव्य जला बैठे। यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं 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 बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। बड़े चाचा चोर थोड़े ना होते हैं। ला, 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 आगे नहीं, आगे नहीं। अब मैं डिशा अंकल की गोली चलाऊंगी और तुम हाँ अंकल के गिर जाना। अच्छा, ज्योति देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक एक तोहफा लाया। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चलकर वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। ला, ला, मुझे रिवॉल्वर। नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहते हो। नहीं, 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 नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बग्गी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार, ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। कहो तुम लोग, क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलो। क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है, ये देखिए। भाग्य हाथ आएगा तो मार खाएगा। I'm sorry for it, चाचू। अच्छा देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते। चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है। अब जब तक वो नहीं आते, मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। रॉकी, आज तू मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि आज राखी का दिन है। दरवाजे पर नजरें बिछाए मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं इन जीते हुए रुपयों से अपनी भाभी को एक प्रेशर कुकर लाकर दूंगा। हम मर्दों से पंजा लड़ा, इसके तो भी दूध के दांत भी नहीं निकले। बाय द वे, आई एम कैप्टन ज़डाक। जब से फौज से निकाले गए हैं, दोस्त लोग प्यार से मुझे अटैक कहते हैं। कैप्टन अटैक। आई एम सॉरी, आज मेरा मूड नहीं। फिर कभी। नो। क्यों, माँ का दूध नहीं पिया क्या बच्चों? अगर मैं तुम तीनों का पंजा गिरा दूं तो क्या यह साबित हो जाएगा कि तुम तीनों ने मां का दूध नहीं पिया? Yes, attack! Come on, man! Shut up! Come on! Get out of here! Good! Attack! More attack! Good! एक के साथ तीन। अरे वाह बेटे लाल, लगता है यहाँ
समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन हर समस्या के लिए हमारे पास हल है, और इस समस्या में भाइयों के हाथों का बल है। बहुत सही जा रहे हो भैया, जय बजरंग बली। साले चप्पन टिकली माँ के दूध का सवाल खड़ा कर रहे थे, दो प्रेशर कुकर लूंगा भाभी के लिए अभी मैं। अटैक, हमारे पैसों पे अटैक। पैसों को मत छूना, क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की है। भाई आप तीन थे। भाई आप लोग भी तीन थे, तुम, ये और बजरंग बली। बेटे लाल, लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विजय, और अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चलो 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 घर चलो, आज राखी है मालूम, भाभी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम दोनों यहां खड़े। चलो चलो भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझते समझते तो समझाने वाला भी समझना छोड़ देगा, बंदूक में गोली नहीं है। चलो। क्या है भैया? विजय भैया, ये मेरे जीते हुए पैसे हैं, मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और हम इसे ले जाने नहीं देंगे। भाई मेरे, अगर सवाल रुपयों का है तो ये पैसे आप लोग रख लीजिए, हमें पैसों की कमी नहीं है। चलो चल विजय, चल जा बच्चू। अरे चल। लगता है ये तीनों भाई भारत नाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक। चलो चलो चलो। और हाँ, अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे चूड़ी। लक 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 लक। चलिए भैया अब चलिए, लुच्छे लोग हैं। हाँ भैया, आखिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। अटैक अटैक। अरे कुमार कुमार कुमार, दरवाजा खोलो कुमार। तीन से भले दो, दो से भला एक, हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्य का कमाल। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इन बेवकूफ लोगों के लिए आंसू बहाने की, कोई जरूरत नहीं। ये तो यहां से ऐसी मीठी शराफत से निकलते हैं जैसे 15 मंदिरों की पूजा करके लौटेंगे ये। और आप महाशय, क्लब में पंजा लड़ाएंगे आए? क्या समझते हैं आप अपने आप को, चंगेज खान की औलाद? अरे मिस्टर टार्जन, हरकुली की तरह सीना तान के खड़े हो गए गुंडों की गोलियां खाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारा ये जो भाई है वो वहीं खड़े खड़े अपना दम तोड़ देता, अपना दम तोड़ देता। वो एक एक तिनका इकट्ठा करके ये घोंसला, ये आशियाना बनाया मैंने, तपती धूप में मजदूरी की है तुम लोगों को पालने के लिए। और ये जो खून बहाया तुम लोगों ने, ये मेरा है, समझे, मेरा खून है। तुम लोग कौन होते हो उसे बहाने वाले? सॉरी भैया, देख मारूंगा छप्पड़ खींच के भी। सॉरी का बच्चा, क्या जरूरत है दुनिया वालों से झड़पने की, क्या जरूरत है? शराफत की जिंदगी नहीं बिता सकता क्या? और तू लोगों को मारता क्यों है बे? क्यों मारता लोगों को? मैं क्या करूं भैया, ये गुंडे और मौले लोग सिर्फ हाथ और लात की भाषा समझते हैं। अरे हाथ और लात की भाषा बोलने की तुझे क्या जरूरत है? और अफसर भी तो है, या घर पर बीवी और भाइयों पर जोर नहीं चलता तो चले दुनिया वालों पर धोस जमाने। ए, तू क्या बत्ती से निकाल रहा है? क्या बत्ती से निकाल? एक मिनट, एक बात बताओ भैया, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को पंच, लात या घुसा मारा?
नहीं ना, मेरा एक दोस्त है महेश, उसकी डैडी भी गजब के डरपोक है। टीवी में वॉर फिल्म चलती है तो उसके सामने छतरी खोल के बैठ जाते हैं कि कहीं ये गोली आकर उनको ना लग जाए। बिलीव मी। भैया आपका डर दूर करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त इलाज है। yeah. आप शादी कर लीजिए। अरे बहुत सही जा रहा भैया, बहुत सही जा रहा भैया, आप शादी कर लीजिए, शायद उससे आपका डर दूर हो जाए। हाँ, और शायद आपका रास्ता भी साफ हो जाए। भैया आप शादी कर लीजिए ना। बिल्कुल ठीक है मेरे चाचू, आप शादी करके मेरे लिए अच्छे से चटनी ले आइए। आप चुप रहेंगी? बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म हो रही है? वैसे भैया ये सब ठीक कह रहे हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे ये क्या शादी शादी लगा रखी है भाई, मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी, मेरे लिए शादी होगी नहीं। नहीं कहना क्या चाह रहे हैं, क्या शरीफ आदमी शादी नहीं करते? कुमार भैया क्या लुच्चे और लफंगे? करना पड़ेगा मुझे? जवानी के 15 साल गुजार दिए हैं मैंने तुम्हारी राह देखते देखते, अपनी सारी खुशियां लुटा दी है तुमने अपने भाइयों पर। मेरे हिस्से में कुछ तो छोड़ दिया होता, और सबर नहीं होता है मुझसे टाइगर, और सबर नहीं होता है मुझसे। पंडित मैडम, हीरो का नाम अविनाश है, टाइगर नहीं। जुम्मा, बात क्या है जुम्मा, तबीयत ठीक नहीं तो शूटिंग पैकअप कर दे। नहीं नहीं डायरेक्टर साहब, चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था तो उतर गया और असली चेहरा उभर आया। असलियत के सूनेपन को जुम्मा ने फिर मेकअप से ढक दिया है। चलिए शॉट लीजिए। As you wish. Full light. क्रेन ऊपर लो। Touch sound. Take. By 3, take 2. मिस्टर असुन, मेरी बाई आंख फड़क रही है। It's a good news. गारमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पुराना दुश्मन मिलने वाला है। अरे तू मुंह काहे को खोलता है, जब भी मुंह खोलता गलत बात करता है। हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो। मेरे घर में मेरा गला कौन दबा रहा है? तेरा बाप। पहचाना मुझे? मेरी सूरत देखकर तेरी काली जुबान पर मेरा नाम आ ही गया ना। तू सोचता था कि मैं मर गया? साहब जी, मैं तो सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहा। मौत से पीछा छुड़ाना मुमकिन है, मगर बख्तावर से पीछे छुड़ाना नामुमकिन है, समझा? महाराज जी, ये बात तुम अपनी मां के पेट से जानता हूं। तो मेरे कैसे भूल गया तू? मेरे जूते के तलवे चाटा करता था तू, पैसे दिया करता था मैं तुझे, ये ऐशोआराम सब मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। उसी, आपको कैसे पता लगा? महाराज मुझको मुझको माफ कर दो, महाराज मुझको माफ कर दो। महाराज बंद करे नाटक। कुत्ते की तुम की तरह अपने जुबान हिलाकर अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश न कर। 15 साल से मैं जेल में सड़ता रहा और तू नमक हराम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। जेल में यार किस डर? ऐसा लगता है इसको असलियत का पता ही नहीं और तू इससे ऐसे ही डर रहा है। तू बच गया किधर? साहब जी, मैं बताता हूं मैं आपको जेल में मिलने क्यों नहीं आया। जब अदालत ने आपको मौत का हुक्म सुनाया सर, तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझको हार्ट अटैक हो गया सर, और मैं बिस्तर पे पड़ा डेथ का इंतजार कर रहा था। वो तो जिंदगी के भाई खाते मेरी जिंदगी ज्यादा लिखी थी, इसीलिए मैं बच गया आपके दर्शन के लिए बस। तो फिर और महाराज, इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा साहब नहीं रहा बख्तावर तो क्या रहेगी मेरी पावर। बंद करो ये मक्कारी के आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू। मैं जानता हूं आजकल तू क्या कर रहा है,
तेरा धंधा क्या है? सर मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा। और वो जो डॉक पर टैंक्स खड़े हैं वो किसके हैं? बोलो। टैंक्स? हाँ टैंक्स, मेरे कब्जे में है। अब अगर तुझे वो टैंक्स चाहिए तो मुझे टाइगर का पता बताओ। टाइगर? हाँ टाइगर। टाइगर को मरे तो सालों साल हो गए। झूठ बोलता है तू। टाइगर नहीं मर सकता, उसने मेरी बीवी बच्चों को जलाकर राख कर दिया। नहीं मर सकता वो, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर। हाँ फंसा दिया इसने। महाराज टिकट ले लिए, चलो। अर्जुन सिंह एक बात बताइए, नौटंकी लैला मजनू देखने को काय को ले आया तू यहाँ पर हमको? जरूर तू कोई बेवकूफ वाली बात करने वाला है। चलो वही तो लेकर जा रहा हूँ आपको। अरे क्या, मैंने कहा था ना कि नौटंकी में जर्नल की शक्ल का। अरे सारे क्या सर्कस से आए क्या? ए साहब निकाल 50 रुपए। 50 रुपए काय को? टमाटर का। टमाटर के लिए काय को भाई? अरे ये नौटंकी में बिना टमाटर को अंदर जा इतने सकता है। क्या बोल रही है ये? साहेब अंदर बड़ा बड़ा शर्त लगता है, बैटिंग चलता है बैटिंग। ते अपना ये एक्टर है ना सतरंगी, वो बिना खुजाए डायलॉग बोल इतने सकता है। और ठीक खुजाने वाली जगह पर टमाटर लगा तो ये 10 मिलता है। क्या की? और क्या बोल रही है यार? ये भी ट्राई कर लो। कैसे? और क्या ट्राई कर लो यार, कहाँ ले आया तू मेरे को भाई? लोजी लोजी। अच्छा अच्छा, और तो नहीं कुछ? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है फिर। हो जाइए देवी और सज्जनों, शांत हो जाइए। लीजिए आपके सामने पेश होने जा रहा है लाजवाब ड्रामा लैला। और लाइफ में पहली बार आया हूँ ऐसी जगह पर। अरे क्या है ऐसी जगह पर? मेरा मजनू आ रहा है। सुन लो भिखारी, आज तो तुझे कोड़े मारकर छोड़ दिया, कल अगर महल की खिड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा। अबे डायलॉग बोला गाचिल रहा यार। महाराज क्या हुआ? अर्जुन सिंह डार्लिंग आई एम प्राउड ऑफ यू। यू शुड बी। ये हीरा कहां से ढूंढा तुमने? जोहरी जोहू महाराज। अरे ये तो साला बिल्कुल जंगल लगता है यार। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, कि लैला आ रही है मजनू से इश्क फरमाने के लिए। अबे डायलॉग बंद कर, खुजाना चालू कर। ए चुपचाप नाटक देखना तो देख, मैं तो टिकट वापस कर और जाते रह कर। अबे तेरी माँ की आज पब्लिक से बात बात कर। अरे मगर वो मेरे को फिर से खुजली की याद दिला रहा है यार, मैं कितनी मुश्किल से खुजली पकड़ के बैठा हूँ। अबे साले नाटक चालू कर। मैं एक्टर हूँ, टमाटर खा सकता हूँ, गाली नहीं खा सकता। अबे मारूंगा साले तेरे को। ये कर लेगा ना रोल? 2-1 महीने में सिखा दूंगा। मगर सनल की एक्टिंग कौन सिखाए? क्या कहा? मेरे खून से गली कूचों को सुर्ख कर दिया जाएगा? क्या इश्क का खून किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? क्या तुम्हारी जिंदगी जिंदगी, हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है? तुम्हारा नाम नाम, हमारा नाम गाली है? तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है, और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। शाबाश सतरंगी लगा रहे, मगर देख बजाना मत। अरे मगर याद दिलाने की क्या जरूरत है यार? होश में आ जालिम, गरीब जागने वाला है। तैयार हो भाइयों, अब ये खुद जाने वाला है। हम नहीं तीरों और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी है। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के टमाटर से। अबे साले क्या बोल रहा है? क्या करता है, गाली देता है? मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के सताने से, कि सूरज बुझ नहीं सकता पानी में डुबाने से। शाबाश लगा रहे, लेकिन खुजाना मत। अरे अर्जुन सिंह, अब मेरा प्लान कोई फेल नहीं कर सकता। लाओ जी टमाटर। मॉर्निंग पापा। ऐ शाबाश, बहुत खूब। क्या बात है। देखा बेटी, हिंदुस्तानी लड़की हिंदुस्तानी लिबास में खूबसूरत लगती है। एक बात याद रखना, लड़की की खूबसूरती शरीर को ढांकने में, शरीर की नुमाइश करने में नहीं है। इसलिए नो जीन्स नो पैंट्स, बिकॉज बी इंडियन बाई इंडियन बिहेव इंडियन, राइट? पापा कैसा चल रहा है कॉलेज? बहुत अच्छा चल रहा है। और डांसिंग क्लास? एक्सलेंट। सॉरी हिंदी? वो भी अच्छा चल रहा है। और वो भरतनाट्यम? पापा उसकी तो आप पूछे ही मत। वो अपना भारतीय नृत्य
उसमें तो तुम्हें स्मार्ट, सबसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। अब तू जल्दी से तैयारी कर ले, क्योंकि अगले महीने बेंगलोर में बहुत जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ, और उसमें तू दुनिया को डांस करके दिखा दे कि जनरल चित्तौड़राय प्रताप सिन्हा की बेटी जो है वो दुनिया में बेमिसाल है, लाजवाब है। पापा वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी क्यों? पार्टी इसलिए कि उस पार्टी में मिलिट्री के स्मार्ट यंग ऑफिसर्स आएंगे, और हमारी बेटी उन ऑफिसर्स में से हमारे लिए दामाद चुनेगी। दामाद? हाँ दामाद, क्योंकि हमारे खानदान की परंपरा रही कि आज तक हमारे खानदान में अगर कोई बहू आई है तो मिलिट्री खानदान से, और अगर कोई दामाद आया है तो वो मिलिट्री खानदान से। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। सॉरी डैडी, लेकिन आपकी बेटी ने दामाद चुन लिया है। ये बच्चा कब सुधरेगा? सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर घड़ी अपने सगनी दूध के हैंडल का कान मरोड़ मरोड़ के रूम रूम की आवाज निकालता रहता। अरे महाशय, कॉलेज का क्या हाल है? क्या? अरे कॉलेज है या गिर गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, क्या कह रहे हो? कॉलेज है या गिरा दिया गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, कैसे सुनाई देगा? जब तक लोहे का ये भूत भौंकता रहेगा, इस इंसान की बातें कैसे सुनाई देगी? क्या मिट्टी का भूत, लोहे का कुत्ता, कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया मैं कह रहा था, पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है? अरे लड़ाई तो कब की बंद कर दी। लड़ाई नहीं पढ़ाई। ये कॉलेज वालों ने परीक्षा लेनी बंद कर दी है क्या? कुछ अपने भविष्य के बारे में भी सोचो, कब तक इस भूत के साथ चिपके रहोगे तुम? भैया आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? ओ बंद हो गया। हाँ तो भैया मेरे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक्सीलेटर दबाने से तुम्हारा ये भूत जो है वो दूर भाग जाता, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई से इतनी दूर क्यों भाग रहे? वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है। होने देना। अरे दोस्त, कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना। लेने देना, तुझे क्या करना है? तू क्यों खामखा भैया को तंग कर रहा है? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए। परमिशन? परमिशन? जा, तुझे परमिशन दे दिया। देखिए मैं क्या कुल खिलाफ। मैंने परमिशन बिल्कुल नहीं दी तुम्हें। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? देखो विजय, विजय कुमार। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। मोटरसाइकिल की दौड़। तेरी कसम मुझे आजकल नींद आती है कम। सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, तेरे लिए हुआ जन्म मेरा जन्म। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, मुझे आजकल आजकल नींद आ।
कसम तेरे लिए हुआ कंपटीशन। आप जरा इस कंपटीशन को घर लाने का कष्ट करेंगे? मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आपसे किसने मशवरा मांगा? बड़ी कहती हूं, मुझे भी बहुत पसंद है। खामोश रहो तुम। भैया मुझे भी लड़की बहुत। आप देखिए, आप तो अपनी जबान मत खोलिएगा। एक नंबर के झूठे हैं आप। हफ्ते भर से शहजादे कॉलेज से गायब है, इश्कबाजी फरमाते रहे हैं और सब कुछ जानते भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। और सुनिए, मुझे भी पसंद है। कुमार भैया, कांग्रेस चाचू, बहुत सही जा रहे हैं भैया, लेकिन एक परेशानी है। क्या बताओ? बड़े भैया, मैंने विजय से प्यार किया है और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से करूंगी। मेरे डैडी पत्थर दिल नहीं है, वो मुझे चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उनकी जिंदगी फौज में गुजरी है, इसलिए वो हर बात फौजी अंदाज में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी जनरल या उससे भी ऊंचे औहदे वाले के बेटे से हो। अगर आपके खानदान में ऐसा कोई भी इंसान हो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, हमारे खानदान में कोई ऐसा इंसान नहीं है, बस एक ये बेवकूफ पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर इससे काम चल सके तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है ना? क्या क्या भाई? टाइम टाइम Thank you.
हो जाए। डैडी, दिस इज विजय। गुड मॉर्निंग, दिस इज माय एल्डर ब्रदर सीनियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर कुमार। दिस इज माय भाभी जी। नमस्ते। एंड दिस इज माय भतीजी। जनन साहब, वेलकम सर। लेफ्टिनेंट जनरल पहाड़चंद, हाउ आर यू सेफ माय बॉय? ब्लडी ऑफुल वेदर टुडे, हे? यस सर। यस, वेयर इज द रनिंग शैंपेन? ये आपके आने की खुशी में ये 120 साल पुरानी शैंपेन मैंने फ्रांस से मंगाई है सर। इसे दुश्मनों की गर्दन की तरह तोड़ डालिए। हाय? यस सर। जब आप किसी का मेहमान होता है तो मेजबान के हाथ से खुलवाता है। और जब मेहमान और मेजबान हम खुद होता है तो किसी खतरदान खतरदान कदरदान खतरदान के हाथ से खुलवाता है, क्योंकि खतरदान का पहचान नादान से नादान इंसान को मालूम होता है। ये नाव से आप तुम समझता है हम क्या बोलता है? But with your kind permission, should I open the bottle? Yes, yes, of course, sure, please. Thank you, thank you, thank you. जानते हैं ये क्या है? भैया वो शराब है। यानी के खराब है। Champagne, यानी के pain. जानता हूँ. लेकिन तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए मुझे ये pain पीना पड़ेगा, वरना इस lieutenant general की ये major general left right ले लेगा। फिर भी शराब आपको मना है? मम्मी ठीक कह रही है। सर कोई खास बात? कोई ऐसी खास बात नहीं है। वो क्या है कि इन लोगों को मेरे हेल्थ मेरे सेहत की बहुत फिक्र होता है। परसों लंदन से डॉक्टर एटकिंसन ने हमको फोन करके बोला कि शराब पीना मना है। अरे नहीं, मिलिट्री में मना मना है, शराब मना नहीं है सर। शराब मना है, मना। चलो गुड ऐसे आपके ओल्ड चैप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चीयर्स। 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 सर, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बहुत लाजवाब चीज है, लाजवाब। सारा फ्रांस आके सामने से गुजर गया। आप फ्रांस हैं सर? ओह यस ऑफ कोर्स, थर्ड वर्ल्ड वॉर में हम उतरे था। थर्ड वर्ल्ड वॉर? वो तो अभी तक हुई नहीं सर। मेरा मतलब सेकंड। थर्ड का तो बहुत बेताबी से इंतजार है। वैसे फ्रांस में आपकी पोस्टिंग कहां थी सर? पोस्टिंग टेस्टिंग हमारा वो उधर सामने ऐसा जाता है, इधर उधर सामने बहुत हरा हरा जगह था उधर। सर वो फ्रांस में तो हर जगह हरा हरा है। एक ग्लास और बना के तुम? यस सर, श्योर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। तो सर उस जमाने मेरी भी फ्रांस में पोस्टिंग थी, तो मेरी आपकी मुलाकात कैसे नहीं हुई? एक और ग्लास बना के तुम? वेरी फास्ट सर, वेरी फास्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरी आपकी मुलाकात कैसी नहीं हुई? मुलाकात? यस सर। मुलाकात क्यों नहीं हुआ मुलाकात? कुछ गड़बड़ है? जी गड़बड़ है। कहते हैं किसी इंसान की असलियत अगर पहचाननी हो तो उसकी सूरत नहीं उसके पैरों की तरफ देख लेना चाहिए, उसके कपड़ों को नहीं उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। और नकली लेफ्टिनेंट जनरल साहब, इत्तेफाक से आपके जूते फटे हुए हैं। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दूं, गेट अप एंड गेट लॉस्ट। जनरल साहब, मैं हम सब की तरफ से इस झूठ के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। दरअसल सच बात तो यह है कि विजय आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो भी उसे बहुत चाहती है। आप तो बड़े आदमी हैं, बड़े दिल वाले हैं, इससे छोटू की ये खता माफ करके उनके प्यार की कदर करें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर वाकई आपके देवर को मेरी बेटी से प्यार है और आपको अपने देवर से प्यार है तो फिर मेरी एक शर्त है, शादी के बाद आपके देवर को मेरे यहाँ घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। नहीं, 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 बस बस बस। मंजूर है आपको? आप गलत समझ रहे हैं सर, हम बेटी लेने आए हैं, बेटा बेचने नहीं आए। माना कि आपके पास दौलत है लेकिन हम भी कोई राह चलते भिखारी नहीं है, हमारे पास प्यार की दौलत है, एक दूसरे के लिए चाहत की दौलत है। अर्थी,
बोल दे तो भैया मुझे, मत रोको। ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। मेरे बाप ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे इनसे मिला है। ये दौलत है आपके पास, ये मेरा तेवर है, एक बेटे की तरह मुझे प्यार करता है। ये दौलत है आपकी तिजोरी में। हम पांच जनों का परिवार है, पांच उंगलियों की तरह प्यार की मुट्ठी में बंधे हुए हैं हम लोग, और उंगली काट कर किसी रईस की हथेली में नहीं जोड़ी जाती। और एक बात आपको और बता दूं मैं जनरल साहब, पत्नी का असली सुख पति के घर में होता है, चाहे वो टूटा फूटा झोपड़ा ही क्यों ना हो। बड़ी बदकिस्मत होती है वो औरत जो सोने की सराय में रहने के लिए स्वर्ग को ठुकरा देती है। अगर आपकी बेटी सचमुच विजय से प्यार करती है तो एक दिन आपकी शर्तों की दीवारें तोड़कर विजय के टूटे फूटे स्वर्ग में खुद ही चली आएगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को। गारमेंट और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार, मेरे को नहीं लगता तेरा ये एक्टर सारा जनरल की एक्टिंग कर सकता है। और गारमेंट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज इसकी एक्टिंग फुल एंड फाइनल होगी। अरे क्या जनरल, जनरल चित्तौड़ प्रताप सिन्हा हाजिर है। क्या नहीं चलेगा अर्जुन सिंह? गारमेंट ये सारा जनरल है या गतियारा? नहीं नहीं गारमेंट, ऐसा है कि कुछ कुछ कंट्रीज में इस तरह के जनरल होते हैं। अरे कौन सी कंट्री में ऐसा जनरल होता है? जरूर खुदलिस्तान का जनरल होगा, सारा खुदली करता रहता है इसको। अर्जुन सिंह ये तारे कहां फंसा दिया? अरे इस गधे से जनरल की एक्टिंग नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी यार। जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा, पहली लड़ाई कब लड़ी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहां लड़ी थी? फ्रांस। कौन से शहर में? मार्सेल। डेट क्या थी? 20th October 1942। तेरी बेटी का नाम क्या है? अनीता। और तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी वर्दी, मेरा फर्ज, देश से मोहब्बत। और तेरा दुश्मन कौन है? जो देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। कमाल कर दिया भाई, गढ़ कमाल कर दिया जी, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, कोई कह नहीं सकता कि सीआरपी जनरल सिन्हा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, आंख के अंधे हो, मैं जनरल दिखता नहीं हूँ, मैं सचमुच जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा हूँ। अरे तो हमने कब कहा कि नहीं है तू? मकारी की मिट्टी से जन्म लेने वाले गद्दारी के पौधे, तो जिस दिन पहली बार हमारे पास टैंक बेचने आया था, हमने उसी दिन पहचान लिया था कि तू वो जहरीला सांप है जो देश के गर्दन में दांत गाड़ के कभी भी काट सकता है। तू एक रह गया एक्टर लाया हमें गायब करने के लिए,
मगर हमने उसे पहले दिन गायब कर दिया और उसके बदले हम तेरे साथ रहने लगे। मतलब हम एक जनरल को एक्टर समझकर राज बताते रहे और उसे ट्रेनिंग देते रहे। अरे भाई गॉड क्या कर लिया यार। अब हंस काहे को रहे हैं सर? हमें अपनी एक्टिंग पे नाज है। क्या दुनिया का कोई एक्टर हमारी जैसी एक्टिंग कर सकता है? सर आप क्या कर रहे हैं? हम खुजा रहे हैं। अरे भाई तो अपना सत्र मारना नहीं, गाली नहीं। हम तालियां सुन सकते हैं मगर गालियां नहीं सुन सकते। टमाटर खा सकते हैं मार नहीं खा सकते। समझ गया डार्लिंग। सॉरी सॉरी। अगर मेरे हाथ में होता ना तो तेरे को एक्टिंग का बहुत बड़ा इनाम देता मैं। अब क्या है ना कि क्या खुजाते रहो और बात करते रहो ऊपर। सॉरी सॉरी। अब क्या है ना कि असली वाला जनरल ना बैंगलोर आया हुआ है। अपनी बेटी की उसे मंगनी की पार्टी देने आया हुआ है। अब अगर आप वहाँ आ गए ना मगर खुजाना नहीं और मेरा एक काम कर दोगे ना। सोचेंगे। अरे सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? सोचेंगे। विजय मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जिस फंक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो फंक्शन आज है विजय। आई लव यू। आज अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आई किल माय सेल्फ। अनीता मत। पापा इस बार हम लोग हॉलीडेज में गोवा जाएंगे। क्या बात है विजय किसका फोन था? अनीता का। सब कुछ ठीक है? क्या खाक ठीक है। वो जनरल जबरदस्ती उसे बैंगलोर ले गया है। शाम को उसका स्वयंवर रचा रहा है और अनीता कहती है कि शाम तक मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो जान दे देगी। जान दी देगी? अरे एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है तुम यहाँ पे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या? हाँ पापा आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे यार ये पुलिस का मामला नहीं है वो उसका बाप है मैं क्या करूं। बोल लिया आप सब लोगों ने। बेटे लाल जी इष्ट जताने की हिम्मत करते हो तो मंजिल को पाने की भी हिम्मत करो। भैया अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अपना अग्निदूत जिसे कि आप मोटरसाइकिल कहते हैं उसे उठाता बैंगलोर जाता और जनरल के जश्न में हमला बोल देता। क्या? अरे उल्लू की दुम मेरा मुंह क्या देख रहा है? मर्द बनो जाओ जाकर लड़की का हाथ थामो। अरे हाँ हाँ जाओ।
यानी कि आप हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है? प्यार के खिलाफ कौन हो सकता है? प्यार तो देवता है, प्यार खुदा है। बुजुर्गों ने कहा है कि मोहब्बत को समझना है तो प्यारे खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजे तूफान नहीं होता। तालियां। मगर सर सीधी खड़ी रहना, कल तक तो आप हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं, हम आजकल के लड़कों के खिलाफ हैं जो प्यार को कच्चे व्यापार की तरह समझ के करते हैं, मगर जब उनका व्यापार फ्लॉप हो जाता है तो फरार हो जाते हैं। मगर आज हमें पता चला कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए हम तुम्हें शादी का आशीर्वाद देते हैं। सर मैं कितना खुश हूं मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मत करो, तुम सिर्फ शादी करो। नहीं सर, मैंने अपने बड़े भाइयों को वचन दिया हुआ है कि जब तक मैं पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाता मैं शादी नहीं करूंगा। मगर सर अगर आपकी इजाजत हो तो ये खुशखबरी अपने घर वालों को दूं। है दो, जरूर दो, जबानी दो, घर से दो, टेलीग्राम से दो, टेलीविजन से दो, रेडियो से दो। सॉरी सर। जाओ शादी की तैयारी शुरू करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही। थैंक यू सर, प्रणाम। जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रणाम। ऊपर आओ। बाय। ठीक है ना? बाय। समझते नहीं क्या? डैडी। हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही हैं। आप तो बिल्कुल बदल गए डैडी। तुमने सही पहचाना बेटी, हम सचमुच बदल गए हैं। नहीं मतलब हमारे अंदाज बदल गए। ओ डैडी। सुनिए भाई साहब, सुनिए, इस आदमी को आपने देखा है कहीं? आपने कहीं देखा है? बख्तावर सेठ, टाइगर जिंदा है बख्तावर सेठ। तूने अपनी आंखों से देखा? जी, ऊटी में रहता है और उसका टिम्बर का बिजनेस है। और उसका भाई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? और इंस्पेक्टर की बीवी और एक बच्ची है। बच्ची भी है और एक छोटा भाई भी है। और इंस्पेक्टर की बीवी की माँ बेंगलोर में रहती है। बेंगलोर में? पोस्टमैन। आपका टेलीग्राम बेंगलोर से। माँ बीमार है, फौरन बेंगलोर चले आओ। ये बड़े चाचू की तरफ से छोटी सी भेंट। देखो बेटा। सर यादी, जाते ही नानी का हाल लिखना, मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना, मेरी तबीयत का ख्याल रखना, रोज खाना खाना, दूध पीना और बस, फिर... बस, बस, बस। बहुत होशियार हो तुम। देख बेटा, तेरे बगैर घर बहुत सुना सुना लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी वापस आना। आरती, जाते ही खत लिखना, विजय तुम लोगों को लेने आ जाएगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है? जाओ। कुमार बेटे, घर में ताला क्यों लगा है? माँ जी, आरती कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आरती और ज्योति आपको देखने के लिए आज सुबह की बस से बेंगलुरु चले गए। हमें तो आपका तार मिला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। क्या तार तो मुझे मिला? क्या आरती का कार का एक्सीडेंट हो गया? वो घायल है और उसकी हालत नाजुक है, इसीलिए तो मैं फौरन उसे देखने चली आई। हमने तो कोई ऐसा तार नहीं भेजा। लेकिन मैंने तो कोई तार नहीं भेजा। हेलो। हाँ हेलो शेखर भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। हाँ भैया, मैं भाभी माँ और ज्योति को लेने के लिए बस स्टॉप पे गया था, बस तो यहाँ पहुँच गया मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुँचे। पहुँचे नहीं? हाँ नहीं पहुँचे,
और बाद में पता लगाने के लिए मैं उनके माजी के घर भी गया तो वहां उनकी माजी नहीं है। नहीं नहीं माजी तो यहाँ आ गए। अरे कुमार एक मिनट, विजय किसका फोन है? ये विजय का बैंगलोर से कह रहा है वो लोग वहां पहुंचे नहीं। जाइए तो। हाँ विजय। हाँ कुमार भैया, मैं बस स्टॉप गया था और वहां बस पहुंच गई मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। माँ के यहाँ? हाँ वहां भी गया था, वहां ताला लगा हुआ है और भैया कह रहे कि माजी वहां पहुंची हुई है। तो भाभी माँ और ज्योति कहाँ है? उधर भी नहीं है। वहां भी नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, माजी सब ठीक हो जाएगा। विजय तू उधर ही ठहर जा, हम लोग बैंगलोर आ रहे हैं। हाँ आप लोग जल्दी पहुंचे भैया, मैं तभी तक पूछताछ करता हूँ यहाँ पर। हाँ मेरी आरती और ज्योति कहाँ होंगे? भैया मैं वहां पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी, इन्हें इस बस्टर में कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। ಇವರನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ನೋಡಲ್ಲ. ಆಪ್ನೆ ಇನ್ನೇ ಕಹಿ ದೇಖಾ ಹೈ? ನಹೀಂ ದೇಖಾ. ಭಾಯಿ ಸಾಬ್ ದೇಖಿ, ಆಪ್ನೆ ಇನ್ ದೋನೋ ಕೋ ಇಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೆ ತೋ ನಹೀಂ ದೇಖಾ? ನಹೀಂ ನಹೀಂ, ಯೇ ಮೇರಿ ಬೇಟಿ ಹೈ, ಆಪ್ನೆ ಕಹಿ ದೇಖಾ ಹೈ? ನಹೀಂ ಜೀ, ಯೇ ಛೋಟಿ ಬೇಟಿ ಭೀ ಉಸ್ಕಿ ಹೈ. ಯೇ ಮೇರಿ ಬೀವಿ ಹೈ, ಕಲ್ ಉಡಿ ಸೇ ಆಯೆ ಥೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ, ದೇಖಾ ಹೈ? ನಹೀಂ ನಹೀಂ ಸಾಬ್. ये दोनों को आपने कहीं देखा? अरे ऐसी खूबसूरत औरत को तो कोई भी उठा लेगा। भाई साहब जरा तमीज से बात कीजिए ना। तो क्या कर लेगा तू भाई, क्या कर लेगा है? भैया चलो कुमार, हमें यहां इस अंधेरी कोठरी में क्यों कैद करके रखा है? जवाब दो। चंदा मामा दूर के, तुम जवाब क्यों नहीं देते? पुए पकाए बूर के, जानते हो मेरा पति पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके तो भाई है, वो यहां आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, उन्हीं दिनों का तो मुझे इंतजार है। मम्मी, 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 पाली तुम बेंगलोर जाओ और टाइगर से मिलो और उसे कहना कि उसका परिवार मेरे कब्जे में है, अगर वो विश्वास ना करे तो उसे ये चेन दे देना। हेलो कौन? टाइगर? टाइगर? क्या कोई टाइगर नहीं है? कुमार देखो क्या बात है भैया? नहीं वो कुछ नहीं, वैसे जरा तबीयत तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूं भैया आप बहुत परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। मैं पुलिस स्टेशन में क्या था, जनरल साहब, मेरा मतलब है देशभक्ति के नाम पर थप्पड़ मारने वाले जनरल साहब,
मैं आपको गुड बाय करने आया हूं। आपने तो मेरे टैक्स पास करवाए नहीं, मगर मैंने उस नकली जनरल के जरिए टैक्स पास करवा लिए। अब मैं अपने वो सड़े गले टैंक भारत सरकार को बेचूंगा जो डॉक्स पर खड़े हैं, और उनसे ले जाऊंगा अमेरिकन डॉलर, एंड फिर हम दोनों यहां से बाहर। तो बस आखिरी बार नमस्ते जनरल साहब। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ जी। हाय प्राइवेट जनरल गिरधर, आई एम कैप्टन अटैक। अटैक कैप्टन अटैक रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। प्राइवेट जनरल गिरधर, टैंक्स कहां है? प्राइवेट जनरल गिरधर, गुड नेम। चलो मूव फास्ट फास्ट, कम ऑन। ओहो, निकलते वक्त फोन की घंटी, वेरी गुड साइन अर्जुन सिंह। हेलो गिरधर। गिरधर टाइगर। टाइगर टाइगर लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे मेरा मतलब मैंने तुम्हारी खुद फाइल, मेरा मतलब है कि तुम टाइगर जिंदा है? टाइगर तुम कहां से बोल रहे हो? और मेरा फोन नंबर तुमको किसने दिया टाइगर? बड़े आदमियों का फोन नंबर पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गिरधर, क्या तुमने मुझे अभी फोन किया? फोन? मैं तुमको कहां फोन करता? मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम जिंदा हो। मेरा मतलब है कि मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम कहां हो। इसको बख्तावर ने फोन किया है। बख्ता टाइगर, तुम कैसे हो और तुम कहां हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आता हूं। गिरधर, मेरे भाई कुमार की पत्नी और बच्ची कल से लापता है। ऊटी से बैंगलोर के लिए रवाना हुए थे, अभी तक बैंगलोर नहीं पहुंचे। बख्तावर ले गया उनको। हां जी, मैं यहां बैंगलोर आया हूं उनका पता लगाने। घर पहुंचते मुझे किसी का फोन आया जिसने टाइगर के बारे में पूछा। टाइगर के बारे में पूछा? बख्तावर ने फोन किया हुआ। गिरधर, इस दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो टाइगर के बारे में जानते हैं, एक तुम और दूसरा बख्तावर। बख्तावर कहां है? इसको नहीं पता बख्तावर के बारे में। बख्तावर? बख्तावर तो कहीं नहीं साहब, बख्तावर तो मर गया है। मर गया? वो दूसरी सिस्टर तुम मिलना है। अरे सिस्टर तुम मिलना, यार शूटिंग कर रही है बैंगलोर में, मिलो जाकर उसको। और दूसरी कोई मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं यार। कैप्टन स्टार्क, कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। एक आदमी को खत्म करना है। कहां मिलेगा? जो मालीना के पास। अटैक।
अटैक। नहीं है, नहीं है, नहीं है, इडियट, बेवकूफ। तुम्हारे बड़े भाई शेखर का नाम टाइगर है। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्ची जिंदा चाहिए तो टाइगर से कहो कि मुझसे आकर मिले, बख्तावर से आकर मिले। साहब, टाइगर का फाइल मिल गया। समझ में नहीं आ रहा माजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई लेना देना। भाभी माँ और ज्योति दो दिन से लापता, दो दिन से। ये कुमार भैया क्या कर रहे हैं? शेखर भैया कहाँ है? शेखर भैया, कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद पुलिस स्टेशन गए। मगर बात क्या है, विजय, तुम्हारी भाभी और मुन्नी को अगवा कर लिया गया है। अगवा? ऐसा कैसे हो सकता भैया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी नहीं है, एक जमाने में किसी के साथ मेरी दुश्मनी थी। वो जमाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, छुपा के रखा था। देखो विजय, मेरा एक अतीत है और आज वक्त आ गया कि मैं तुम लोगों को उस अतीत के बारे में बता दूं। आपका अतीत शेखर भैया? शेखर नहीं है इनका नाम, विजय। इनका नाम टाइगर है, टाइगर। टाइगर? हाँ। ये एक जमाने के मशहूर गुंडे थे,
मजबूर उनसे हफ्ता वसूल करना, पैसा लेकर किसी का भी हाथ पांव तोड़ना, किसी की भी जान ले लेना, इनके लिए एक मामूली काम था। उस जमाने में यह खतरनाक गैंग लीडर हुआ करता था भक्तावर। टाइगर ने भक्तावर के पूरे खानदान का खून किया और फरार हो गया। यह झूठ है शेखर भैया, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ शेखर भैया उर्फ टाइगर भक्तावर के पूरे खानदान को जिंदा जला डाला और उसकी तिजोरी से 12 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। मेरा दिल नहीं मानता, ये सब झूठ है, सच है। इस फाइल में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर गिरधर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदलकर शराफत और भोलेपन का ढोंग रचाकर अपने भाइयों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। मगर भैया, जिस तरह जमीन पर पैर रखे बगैर इंसान चल नहीं सकता, उसी तरह मुस्लिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। यह तुम्हारे ही पुराने पापों का कर्ज है जिसका सूद हम सबको अदा करना पड़ रहा है। तुम्हारे गुनाहों के कारण मेरी आरती, मेरी ज्योति को तुम्हारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। तुम गिर गए हमारी नजरों में भैया, तुम गिर गए हमारी नजरों में। हमने तुम्हें भगवान की पदवी पर बिठा कर रखा था, मगर तुम एक आला मुजरिम हो, गुंडे हो, खूनी हो, मवाली हो, धोखेबाज हो। बस बस करो, बहुत बोल चुके हो तुम, बहुत जहरों गलिया है तुमने। तुम, अरे तुम इस इंसान को गुंडा, मुजरिम, मवाली कह रहे हो? तुम, आज तुम्हारी जबान में इतनी ताकत आ गई है? ये खूनी है? अरे ये क्या है वो मैं जानती हूँ। जमा, मैं तुम्हें बताती हूँ इस इंसान की असलियत क्या है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, गुंडा, मवाली, धोखेबाज हूं तो यही सही। कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती के शब्दों को दोबारा हाँ, मगर कुमार, तुम्हारे शब्दों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह इंसान जमीन पर पैर रखे बगैर चल नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारी बीवी और बच्ची शेखर उर्फ टाइगर के बगैर वापस आ भी नहीं सकते। कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता, ना तुम ना तुम्हारी पुलिस फोर्स, और मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। ठहरो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस वक्त तो मैं जाऊंगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भैया, अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। भैया, जानते हो कुमार, तुमने मुजरिमों की तालीम फाइलों और किताबों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम, अपना सारा बचपन उनके बीच, उनके घर में रहकर हासिल की। मैं उनके साथ नहीं पढ़ सकता, तुम नहीं, तुम नहीं। रुक जाओ भाई। कुमार भैया, नहीं, शेखर भैया को जाने दो, वो बहुत सही जा रहे हैं। विजय, जा। नहीं कुमार भैया, भैया, रुक जाओ। भैया क्या कर रहा? नालायक कुमार, ये क्या कर रहे हो? इसने आज दो गलत काम किए हैं, बड़े भाई का अपमान और छोटे पे हाथ उठाया। चलता है, चलता है, चलता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या हक है हमारे घरेलू मामले में दखल देने का? कुमार, मैं वो औरत हूं जिसने टाइगर के प्यार को ठुकरा के तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशी त्याग दी। शेखर उर्फ टाइगर की पिछली जिंदगी के बारे में मैं जानती हूं, मैं, तुम नहीं इंस्पेक्टर। टाइगर शेखर बना सिर्फ तुम दोनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी बुरा साया उसके भाइयों पर पड़े।
तुम्हारा पेट भरने के लिए उस इंसान ने मजदूरी तक की, तुम्हारी शिक्षा के लिए उसने बोझ उठाया, रिक्शा चलाया। आज जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस जिंदगी का एक एक पल उसकी मेहनत, उसके पसीने का कर्जदार है। और उन तमाम कुर्बानियों का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है तुमने अपने बड़े भाई को गुंडा और मवाली कहकर। अरे ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे भाइयों के लिए भी नहीं देगा जो उसने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए दी है। परिवार कहां है? 15 साल से मुझे इसी दिन का इंतजार था। आओ। साथे मेरे बच्चों को मत ये तुझे बम फट जाएगा। टाइगर ये तो सिर्फ नमूना था, अभी पुतले उड़े हैं। अब अगर आगे बढ़े तो असली लोगों के चीथड़े उड़ेंगे। देखो जरा ठीक से देखो, और ये देखो उसका रिमोट मेरे पास है, देखो दबाऊं दबाऊं। नहीं बस्तावर नहीं, ऐसा मत करना। मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया है, ये बेकसूर है। इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमारी लड़ाई में इनको क्यों बीच में ला रहे हो? 15 साल से मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था, क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी नन्नी बच्चों ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे जो जलाकर आग में फेंक दिया तुमने? मैंने तुम्हारे परिवार को जला दिया? नहीं बख्तावर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूं बख्तावर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मेरे उस आदमी को भी मार डाला जो मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं भला उस आदमी को क्यों मारूंगा जो मेरे परिवार के बारे में खबर लेकर आएगा? उसे मारा उस आदमी ने जो नहीं चाहता था कि तुम और मैं मिले। मिल जाते तो उसका राज खुल जाता। मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था बख्तावर। उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मां और बाप का खून करवाया था, उस दिन जिस दिन तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया था, मार देता तो अच्छा होता, मुझे कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कत्ल के इरादे से रोकने वाला एक दोगला इंसान था। उस दोगले इंसान का नाम है गिरधर। गिरधर ने तुम्हारे आदमी को मरवाया। वो गिरधर था जिसने मुझे हमदर्दी दिखाकर इस गोदी से भाग जाने के लिए कहा। वो गिरधर था जिसने तुम्हारी तिजोरी लूटी। वो गिरधर था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को जलाकर राख कर दिया और पुलिस फाइल में लिख दिया कि वो काम मैंने किया है। गिरधर बख्तावर, गिरधर। झूठ बोल रहे हो तुम। गिरधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुलाजिम था मेरा, गुलाम था, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता था वो, कुत्ता।
अपनी आंखों से देख लो इस कुत्ते को जो जमीन पर फेंके हुए टुकड़ों पर पला है। आज मक्कारी और बेईमानी के पर लगाकर आसमानों पर उड़ रहा है। यही है वो रंग बदलने वाला क्रिकेट जिसने मुझसे दोस्ती करके मेरी पीठ पर छुरा फोंक दिया और तेरा नमक खाकर तेरे सारे परिवार को जलाकर राख कर दिया। यही वो क्रिकेट। ये बात सच है कि जिसके पास अकल और ताकत होती है हुकूमत भी उसकी होती है। पहले मेरे पास अकल थी, अब मेरे पास ताकत है और अकल का इस्तेमाल करके मैंने तेरे को और तेरे परिवार वालों को जला दिया था। ये बता लगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया, और टाइगर तेरी भी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू भी बच गया, वरना जिस ट्रेन में तू जा रहा था उस पे मैंने गोली चलाई थी, ट्रेन फूट गई लेकिन तू नहीं फूटा, लेकिन साड़ो अब तुम दोनों फूटोगे। नहीं टाइगर, आज चालाकी नहीं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। एक तो टपका दिया, अगर तेने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरे को भी गोलियों से भून देंगे, इसलिए आज झेलना नहीं। अब तू आखिरी बार भगवान को याद कर ले और अपनी फैमिली वालों को देख ले। तेरे पास टाइम ज्यादा नहीं और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाऊंगा ये रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, तू अपने परिवार वालों के साथ बम के धमाके के साथ एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। हम तो उड़ जाएंगे गिरधर, लेकिन तेरे पीछे मौत के दो फरिश्ते छोड़ जाएंगे। मेरे दो शेर, दो भाई, वो अभी जिंदा है। ये देख गिरधर, हम सब इस हाथ की पांच उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तू चाहे पाताल में छुप जाए या आकाश से किसी कांटे से लटक जाए, हम तुझे वहां से भी निकल लाएंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि एक बार मौत को भी पसीना आ जाएगा। देखते हैं जी।
पर मेरा बचना ज्यादा जरूरी है। तू भाग यहां से, भाग, मैं कहता हूं भाग जा। ऊपर ले, ऊपर और ऊपर ले, मैं कहता हूं धारा भैया। मैं तो गरीब एक्टर हूँ, पेट के लिए और थोड़ा मजाक के लिए किया था। देश से मजाक करते हुए शर्म नहीं आता? ज्योति, 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 बम चिक चिक बम चिक बम बम बम। अरे वो चुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आ चुम्मा है आज का वादा है, एक मैं आ गया तू भी चल दिया, मुझे मत पर बर्बाद। अरे
चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा।